नमस्कार दोस्तों, देवों के देव महादेव भगवान शंकर को ही इस सृष्टि का आदि और अंत माना गया है। यही कारण है कि महादेव शिव का पूजन केवल भारत में ही नहीं विश्व भर में स्थापित मंदिरों में होता है। भगवान शिव का एकमात्र ऐसा मंदिर भी है जहां पर भोले बाबा चतुर्मुखी शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। सबसे खास बात यह है कि चतुर्मुखी शिवलिंग वाला पशुपतिनाथ नाम से विख्यात मंदिर नेपाल के बागमती नदी के किनारे काठमांडू के अलावा भारत के राजस्थान के मंदसौर में भी स्थित है। सबसे खास बात यह है कि इन दोनों मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां एक समान आकृति वाली हैं। इतना ही नहीं, नेपाल स्थित पशुपति मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, जहां पर हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या है पशुपति का अर्थ? नेपाल व मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में पशुपति नाथ का क्या अर्थ है? पशु यानी जीव या प्राणी, पति का अर्थ है स्वामी और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इस शब्द के पूर्ण अर्थ की व्याख्या करें तो इसका मतलब यह है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान हैं पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ को जीवन का मालिक भी कहा गया है। क्या है पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास? पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग के बारे में माना जाता है कि यह शिवलिंग इस मंदिर में वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपतिनाथ काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के प्रमुख देवता रहे हैं। पशुपति मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने तीसरी सदी ईसा पूर्व में करवाया था। 605 ईस्वी में अंशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को धन्य माना था। बाद में इस मंदिर का दोबारा निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था। दीमक लगने के कारण इस मंदिर को भारी नुकसान हुआ। एक बार फिर 7वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ। इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया था। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ के मुख्य मंदिर और मंदिर के गर्भगृह को कोई हानि नहीं हुई थी। भारतीय ब्राह्मण करते थे मंदिर में पूजा। पशुपतिनाथ मंदिर में प्रभु की सेवा करने के लिए वर्ष 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को नियुक्त किया। बाद में मल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। उस समय से दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त रहे हैं, परंतु नेपाल की प्रचंड सरकार के समय में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली ब्राह्मणों को पूजा का कार्यभार सौंप दिया गया। पशुपतिनाथ मंदिर की विशेषता। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की 5 मुंह वाली मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है। पशुपतिनाथ प्रांगण में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की तरफ है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। पांचों मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा वाले मुख को तत्पुरुष, पश्चिम दिशा वाले मुख को सद्योत, उत्तर दिशा वाले मुख को वाम वेद या अर्धनारीश्वर, दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा और ऊपर की दिशा वाले मुख को ईशान मुख कहा जाता है। मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए 4 द्वार बने हुए हैं। यह चारों द्वार चांदी से निर्मित हैं।
पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिवजी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है जो पीतल से बनी हुई है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई अन्य मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है। हिंदू बौद्ध वास्तुकला की अनुपम कारीगरी। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक हैं। मंदिर की छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजूर कहते हैं। मंदिर परिसर में स्थापित हैं कई अन्य मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के भीतर दो गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरा बाहर। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहां पर शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। भीतरी आंगन में वासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्ता भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव मंदिर, बूदानील कंठ मंदिर, हनुमान मूर्ति और 184 शिवलिंग मूर्तियाँ प्रमुख रूप से विद्यमान हैं। बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और 15 शिवालय गुहेश्वरी मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। पुरानी काल से ही इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाए जाने की प्रथा है। मंदिर दर्शन की मान्यता। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी इंसान इस मंदिर के दर्शन करता है, उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती, लेकिन शर्त यह है कि शिवलिंग के दर्शन से पहले नंदी के दर्शन ना किए जाएं। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की पौराणिक कथाएँ। मंदिर के इतिहास के बारे में पौराणिक कथाएं हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार भगवान शिव यहां पर चिंकारे का रूप धारण कर ध्यान निद्रा में बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया, तो महादेव ने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान शिव भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। दूसरी कथा एक चरवाहे से जुड़ी है। कहते हैं कि शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय ने अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। तीसरी कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग जाने से पहले शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन उनके धरती में समाने से पहले ही महाबली भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने यह कार्य किया था, उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया, उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। सो दोस्तों, यह थी पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।